अस्सलाम वालेकुम दिग्रा न्यूज़ चैनल की तरफ से फर्ज का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खरीय से होंगे अपने घरों में बाल बच्चा समेत। तो चलें जी, आज मैं एक बिल्कुल है तो चाय का टाइम, साथ में मैंने बड़ी ही वही जो हमने आगे भी शेयर की हुई है चने की चाट वो बनाई है, और साथ में मैं एक सैलड बनाने लगी हूँ क्यूकम्बर सैलड। तो चलें इसकी रेसिपी शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनानी। ये देखिएगा, इसमें जो चीज़ें डली हैं उसमें मेन जो है क्यूकम्बर है। अगर ये बिल्कुल साफ़ है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं, वरना इसको आप फिर जहाँ जहाँ से कोई दाग दबा हो छीन लीजिएगा। एक इस साइज़ का, ये जितना आपको पसंद हो प्याज अगर ज़्यादा खाने वाले हैं, वरना ये वाला जो प्रोपोर्शन है ये बिल्कुल ठीक है। और ये देखिएगा, दो छोटे जो साइज़ के हैं लहसुन, लहसुन को ये फ्रीज़र में पड़ा था इसलिए इस तरह का हो गया। तो चलें ये चॉप करके एक साइड पे करें। फिर जो अपना प्याज है उसको हम बारीक स्लाइस करेंगे। तो प्याज का इस्तेमाल हर खाने के साथ करें तो ये फ़ायदेमंद है गर्मियों के लिए ख़ास तौर पे। अब इसको दोनों तरफ से आप ये उतार लीजिएगा, लंबी साइड से आप इसको दो तकसीम कर लें और इनके स्लाइस कर लें। मुनासिब स्लाइस हों जो बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हों और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हों। इनको अपने इसमें डाल देते हैं बोल में। ये आप खाने के साथ में भी साइड डिश बना सकते हैं तो खाने का मज़ा भी दुबला हो जाता है। और उबले हुए चावलों के साथ जब आप दाल चावल बनाते हैं तो ये एक बड़ी ही अच्छी डिश है, जो उसके साथ आप बड़ी कॉम्प्लीमेंट करती है और आपकी जो भूख है वो बढ़ती है और आपको मज़ा आता है दाल चावल खाने का। तो हम डालेंगे इसके मसाला जात, उसमें एक तो ये है कि आपने डालना है सेसमी सीड्स, ये मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। इसके साथ आप डालेंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स, एक चीनी जिस तरह आप चाहते हैं, मैंने एक टीस्पून भर के लिया है जी। सेसमी ऑयल 1/4 टीस्पून, और जो सोया सॉस है वो हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना भर के। और 1 pinch of salt डाल, ये देखिएगा अपने टेस्ट के लिहाज से इस तरह से मिक्स करें। इसका इतना अच्छा सा अरोमा आ रहा है मुझे। तो देखिएगा ये हमारी डिश जो है वो तैयार है।